अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर टू का सारे सवाल आपको कवर कर दिए थे, टोटल 18 क्वेश्चन थे। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। अब इसमें देखते हैं कि कितने क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे पहला सवाल, चलिए आप लोग बढ़िया से नोटबुक पेंसिल सब निकाल के बैठिए आराम से और एक एक क्वेश्चन अपने नोटबुक में सॉल्व करते जाइएगा, ओके, अच्छे तरह से, और इसी को आप रिवाइज कीजिएगा, ओके। देखिए y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए पहला सवाल जो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 होल पावर कितना है 3 प्लस, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस ऑफ 5x प्लस, देखिए 5x माइनस यहाँ पे 2 होल पावर कितना है 4। चलो गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंशिएट बोथ साइड, देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy बाय dx, देखो गाइस ये कितना हो जाएगा d अपॉन dx, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 होल पावर कितना 3 प्लस d अपॉन dx, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 2 माइनस 2 होल पावर कितना जाएगा 4। अब देखिए fx रेस टू दी पावर n, fx रेस टू दी पावर n, तो यहाँ पे देखिए dy बाय dx इज इक्वल टू n, n का वैल्यू कितना 3, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस कितना 4x प्लस 1 रेस टू दी पावर 3 माइनस 1 2 इंटू क्या हो जाएगा d बाय dx fx है, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना 1 प्लस है fx रेस टू दी पावर n, ये हो जाएगा 4, यहाँ पे एक्स क्यू माइनस कितना 5x माइनस 2 इंटू बोलो यहाँ पे d बाय dx ऑफ fx, fx कहने का मतलब एक्स क्यू माइनस 5x माइनस 2, राइट ना। तो देखो गाइस यहाँ पे dy/dx इज इक्वल टू 3, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 होल पावर कितना 2, अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना 2x है, 4x का डेरिवेटिव 4, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस 4, बोलो गाइस यहाँ पे एक्स क्यू माइनस कितना 5x माइनस 2, राइट है। अब यहाँ पे देखो एक्स क्यू का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5x का डेरिवेटिव कितना 5, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब यहाँ पे देखिए इनमें से 2 आप कॉमन ले के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे dy/dx इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 6 है, 6 है ये कितना हो जाएगा x प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना 4x प्लस 1 होल पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2 प्लस है। अब देखो यहाँ पे 4 ये क्या हो जाएगा एक्स क्यू माइनस कितना 5x माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5, तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, राइट। चलिए पहला सवाल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है सब लोग को, ओके बढ़िया से एकदम नोट कर जाएगा। आप लोग पेन पेंसिल लेके बैठिएगा और ईच एंड एवरी क्वेश्चन आप अच्छे तरह से नोटबुक में नोट करते जाइएगा, और जो डाउट होगा वो आप व्हाट्सएप पे मुझे आप सेंड कर दीजिएगा, बता दीजिएगा सर यहाँ पे डाउट्स है या फिर कहीं पे नहीं समझ में आया तो आप पूछ लीजिएगा, ओके। आराम आराम से आपको सारे क्वेश्चन एक एक करके कवर कर दे रहा हूँ, आराम आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए y इज इक्वल टू सेकंड सवाल, y इज इक्वल टू ये देखो यहाँ पे 1 प्लस 4x रेस टू दी पावर, देखो गाइस ये है 5 इंटू ये देखो यहाँ पे इंटू 3 प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू दी पावर कितना है 8, राइट ना। चलो अब इसका देखेंगे डिफ्रेंसिएशन कैसे निकालेंगे, ओके। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड, देखो गाइस यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड लिखिए यहाँ पे, तो वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे देखिएगा डी अपॉन डी एक्स इन ब्राइकेट 1 प्लस कितना होगा 4x रेस टू दी पावर 5 इंटू ये बताओ 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू दी पावर 8। अब आप लोग बताइए यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, ओके। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करने के लिए एक को आपको क्या कंसिडर करना पड़ेगा यू, और दूसरे को क्या कंसिडर करना पड़ेगा वी, क्यों, क्योंकि गाइस देखिए ना ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, जब आपस में मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, और आपको याद है डी बाय डी एक्स मल्टीप्लीकेशन रूल क्या है, बोलिएगा सबसे पहले यू को बाहर करेंगे
डी बाई डी एक्स ऑफ वी का डेरिवेटिव, बीच में प्लस, वी को बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ है यू का डेरिवेटिव, राइट ना। अब देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले यू को बाहर करेंगे, वन प्लस फोर एक्स रेस टू दी पावर फाइव इंटू डी बाई डी एक्स है किसका डेरिवेटिव बोलो ना, थ्री प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू दी पावर एट प्लस है, पहले यू को बाहर किए वी का डेरिवेटिव, बीच में प्लस, अब क्या करेंगे थ्री प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू दी पावर एट, वी को बाहर करेंगे डी बाई डी एक्स किसका डेरिवेटिव बोलो बेटे, वन प्लस बोलो ना फोर एक्स रेस टू दी पावर कितना हो जाएगा फाइव, किसका डेरिवेटिव चलेगा ना, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस कितना फोर एक्स रेस टू दी पावर कितना हो जाएगा फाइव इंटू, अब ये देखो एफ एक्स रेस टू दी पावर एन बोलो, एफ एक्स रेस टू दी पावर एन, ये एफ एक्स ना, ये एफ एक्स रेस टू दी पावर एन, तो क्या हो जाएगा एन एफ एक्स रेस टू दी पावर एन माइनस वन, एट माइनस वन कितना हो जाएगा सेवन इंटू डी बाई डी एक्स एफ एक्स, एफ एक्स बोले तो कितना थ्री प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, राइट ना, बोलिएगा आराम से प्लस है, अब इसको बाहर नहीं दीजिए, थ्री प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू दी पावर एट इंटू बोलो, अब गाइस यहाँ पे इसका डेरिवेटिव एफ एक्स रेस टू दी पावर एन, तो ये हो जाएगा एन एफ एक्स रेस टू दी पावर एन माइनस वन, वन प्लस फोर एक्स रेस टू दी पावर फोर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यानी वन प्लस फोर एक्स का डेरिवेटिव, राइट है। अब देखो गाइस यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बोलो वन प्लस फोर एक्स रेस टू दी पावर फाइव इंटू एट, यहाँ पे देखो थ्री प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू दी पावर सेवन इंटू, अब बताओ यहाँ पे सबको सेपरेट करेंगे तो थ्री का डेरिवेटिव जीरो, एक्स का डेरिवेटिव वन माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, राइट प्लस है थ्री प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू दी पावर एट इंटू, अब ये बताओ यहाँ पे फाइव इंटू वन प्लस कितना फोर एक्स रेस टू दी पावर फोर, वन का डेरिवेटिव जीरो, फोर एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा फोर। अब देखो आंसर तुम यहाँ पे छोड़ सकते हो लेकिन अभी नहीं छोड़ने का, कॉमन निकालने का। अब ये बताओ ये देखो यहाँ पे पावर में सेवन है, यहाँ पे पावर में एट है, तो देखो थ्री प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू दी पावर सेवन, दोनों में से कॉमन निकालो, निकालो जल्दी से। तो यहाँ पे देखो क्या कॉमन आएगा बेटे, थ्री प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू दी पावर सेवन, ये तो कॉमन आ गया। अब देखिए वन प्लस फोर एक्स रेस टू दी पावर फाइव यहाँ पे है, वन प्लस फोर एक्स रेस टू दी पावर फोर है, तो यहाँ पे ये वाला कॉमन निकालो, जो छोटा है वो कॉमन निकालो, वन प्लस फोर एक्स रेस टू दी पावर फोर कॉमन निकाले, तो देखो पांच था पांच में से चार आ गया, तो एक तो बचेगा ना, वन प्लस फोर एक्स बचेगा, वन प्लस फोर एक्स बचा रह गया इंटू ये वाला कॉमन आया तो एट बचेगा, उसके बाद देखो यहाँ पे वन माइनस कितना हो जाएगा वन माइनस टू एक्स बचेगा, यहाँ पे देखो एट में से कितना कॉमन आया सात कॉमन आया एक बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थ्री बोलो, यहाँ पे थ्री प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू दी पावर सेवन, ये कॉमन आ गया फाइव इंटू फोर कितना हो जाएगा ट्वेंटी, तो ये आपका आंसर। इस तरह से आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को सॉरी क्योंकि यहाँ पे सेवन कॉमन आया तो एक बचेगा ना, फिर क्या कीजिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अंदर वाले को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट ना, अंदर वाले को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर इसको यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर दीजिएगा, राइट, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड का आंसर। हो गया, चलिए देखिएगा इसको और थोड़ा सा आप लोग सिंप्लीफाई करिएगा अच्छे से। चलिए देखिए आप यहां पे क्या लिखे बताइएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड, यही ना, डिफरेंशिएट बोथ साइड, देखो गाइस बोर्ड पे ध्यान देना इधर, डिफरेंशिएट बोथ साइड, वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स बोलो, यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स इन ब्रैकेट एक्स डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कितना सेवन माइनस थ्री एक्स, यहाँ पे डिवीजन रूल, ऊपर वाले को यू नीचे वाले को भी, डिवीजन रूल अप्लाई कर दो तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले नीचे वाले को बाहर करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कितना सेवन माइनस थ्री एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा एक्स है, बीच में माइनस है,
बीच में माइनस, उसके बाद क्या करो यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट ऑफ क्या, सॉरी उसके बाद क्या करेंगे एक्स को बाहर करेंगे, डी बाय डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ सेवन माइनस थ्री एक्स होल डिवाइडेड बाई नीचे वाले का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ सेवन माइनस थ्री एक्स ये पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, राइट ना। अब गाइज ये बताओ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बोलो यहाँ पे सेवन माइनस थ्री एक्स, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में वन माइनस एक्स इन टू, सुनो अब यहाँ पे देखो रूट एफ एक्स, रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव अंदर वाले को एफ एक्स पकड़ो तो रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव वन बाय टू रूट एफ एक्स तो कितना हो जाएगा सेवन माइनस थ्री एक्स इन टू, फिर एफ एक्स का डेरिवेटिव सेवन का डेरिवेटिव जीरो, थ्री एक्स का डेरिवेटिव थ्री तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा थ्री डिवाइडेड बाई नीचे में स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा सेवन माइनस थ्री एक्स। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट ऑफ सेवन माइनस कितना हो जाएगा थ्री एक्स है, राइट निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव तो ये बताओ यहाँ पे बोलो ना ये कितना हो जाएगा थ्री एक्स अपॉन में टू अंडर रूट ऑफ बोलो यहाँ पे सेवन माइनस कितना हो जाएगा थ्री एक्स है डिवाइडेड बाई नीचे में कितना हो जाएगा सेवन माइनस थ्री एक्स, राइट ना। अब देखिए यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तिरछा तिरछी गुना, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ आपका डेरिवेटिव हो चुका है अब सिंप्लीफिकेशन है तो बेटे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा ना, देखिए ना इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा दोनों स्क्वायर रूट कैंसिल तो टू इंटू कितना हो जाएगा सेवन माइनस बोलो ना सेवन माइनस थ्री एक्स प्लस कितना हो जाएगा थ्री एक्स होल डिवाइडेड बाई ये कहा जाएगा नीचे तो टू इंटू अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा सेवन माइनस थ्री एक्स इंटू क्या हो जाएगा सेवन माइनस थ्री एक्स, राइट ना। अब देखो यहाँ पे अब सिंप्लीफाई करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बोलो टू इंटू सेवन कितना हो जाएगा फोर्टीन, ये हो जाएगा फोर्टीन और ये कितना हो जाएगा बोलो सिक्स है, थ्री टू जा सिक्स है तो माइनस सिक्स प्लस सिक्स कितना हो जाएगा बोलो माइनस थ्री एक्स अपॉन, गाइस ये बताओ यहाँ पे ये हो जाएगा टू, अब देखो इसका पावर वन बाय टू इसका पावर वन तो वन बाय टू प्लस वन कितना हो जाएगा थ्री बाय टू तो सेवन माइनस थ्री एक्स से रेस टू दी पावर कितना हो जाएगा थ्री बाय टू तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, राइट। साथ में सिंप्लीफाई भी करना सीख जाइए क्योंकि सिंप्लीफिकेशन बहुत जरूरी है डेरिवेटिव में। चलिए सवाल नंबर थर्ड हो गया, सवाल नंबर फोर्थ का ये y इज इक्वल टू ये देखिए यहाँ पे एक्स क्यू माइनस कितना हो जाएगा फाइव रेस टू दी पावर फाइव होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे देखेगा एक्स क्यू प्लस थ्री इसका होल स्क्वायर, राइट है। अब देखिए यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, देखिए यहाँ पे डिफ्रेंसिएट बोथ साइड, चलो गाइस देखो यहाँ पे डिफ्रेंसिएट बोथ साइड वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे देखो डी अपॉन डी एक्स इन ब्राइकेट ये कितना हो जाएगा एक्स क्यू माइनस फाइव रेस टू दी पावर फाइव डिवाइडेड बाई नीचे में कितना हो जाएगा एक्स क्यू प्लस थ्री ये पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो गाइज ऊपर वाले को यू मानो नीचे वाले को भी मानो तो यहाँ पे यू बाई भी अप्लाई कर दो ऊपर में यू नीचे वाले को भी तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहले नीचे वाले को बाहर तो कितना हो जाएगा एक्स क्यू प्लस थ्री इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स तो कितना हो जाएगा एक्स क्यू देखो यहाँ पे एक्स क्यू माइनस फाइव होल पावर कितना हो जाएगा फाइव बीच में माइनस पहले नीचे वाले को बाहर किए ऊपर वाले का डेरिवेटिव बीच में माइनस है माइनस के बाद क्या करेंगे बोलो यहाँ पे उसके बाद किसको बाहर करेंगे जो अंदर है बाहर बाहर है वो अंदर तो यहाँ पे एक्स क्यू माइनस फाइव होल पावर फाइव इंटू क्या हो जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स एफ एक्स कहने का मतलब कितना बोलो यहाँ पे एक्स क्यू प्लस थ्री इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर राइट ना। देखिये पहले क्या किए नीचे वाले को बाहर ऊपर वाले का डेरिवेटिव बीच में माइनस माइनस के बाद क्या किया जो अंदर है वो बाहर है वो अंदर डिवाइडेड बाय नीचे वाले का होल स्क्वायर चलेगा। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बताइएगा यहाँ पे एक्स क्यू प्लस थ्री इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर इन टू एफ एक्स रेस टू दी पावर एन तो ये हो जाएगा एन एफ एक्स रेस टू दी पावर कितना एफ एक्स रेस टू दी पावर एन माइनस वन फाइव माइनस वन कितना हो जाएगा फोर इन टू फिर किसका करेंगे अंदर वाले का तो एक्स क्यू का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा
थ्री एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जीरो माइनस ये बताइए यहाँ पे ये एक्स क्यू माइनस फाइव होल पावर कितना फाइव इंटू अब यहाँ पे एफ एक्स रेस टू दी पावर एन का डेरिवेटिव एफ एक्स रेस टू दी पावर एन तो क्या हो जाएगा एन यहाँ पे एक्स क्यू प्लस कितना थ्री रेस टू दी पावर एन माइनस वन कितना हो जाएगा टू माइनस वन वन इंटू एक्स क्यू का डेरिवेटिव कितना थ्री एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो राइट डिवाइडेड बाई नीचे वाले का होल स्क्वायर तो यहाँ पे एक्स क्यू प्लस थ्री रेस टू दी पावर टू इंटू टू कितना देगा फोर अब देखिए कॉमन क्या क्या चीज है वो सब निकाल लीजिए पहले आप आराम से एक एक करके कॉमन निकालिए तो देखिए यहाँ पे एक्स क्यू प्लस थ्री इसका होल स्क्वायर है यहाँ पे एक्स क्यू प्लस थ्री रेस टू दी पावर वन है तो जो कम है वो निकालिए तो यहाँ पे एक्स क्यू प्लस थ्री निकालनी है कॉमन यहाँ पे चार है यहाँ पे पांच है तो चार कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे एक्स क्यू माइनस फाइव रेस टू दी पावर फोर देखिए थ्री एक्स स्क्वायर यहाँ भी है थ्री एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी कॉमन निकाल लीजिए थ्री एक्स स्क्वायर अब बचेगा क्या अंदर में वो देखिए अब इसमें दो में से एक निकाल लिए तो एक तो बचा रहेगा यानी एक्स क्यू प्लस थ्री एक बचा रहेगा ओके ये तो कॉमन नहीं आया है तो इंटू फाइव रहने दीजिए राइट अब ये देखिए ये कॉमन आ गया ये कॉमन आ गया तो बस आपको इतना ही बचेगा पहले टर्म में अब दूसरा टर्म में देखिए इसमें से कितना कॉमन आया है चार कॉमन है एक बचा रहेगा तो यहाँ पे देखिएगा ये कितना हो जाएगा एक्स क्यू माइनस फाइव एक बचा रहेगा उसके बाद टू बचा रहेगा इंटू टू बचा रहेगा ये कॉमन आ गया ये कॉमन आ गया राइट होल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का होल स्क्वायर यहाँ पे देखिए एक्स क्यू प्लस थ्री रेस टू दी पावर फोर राइट तो यहाँ पे देखिए dy/dx इज इक्वल टू अब सुनिए अब आप देखिए यहाँ से आप एक कैंसिल कर सकते हैं देखिए एक आपका यहाँ से एक कैंसिल हो गया तो तीन बचेगा तो यहाँ पे देखिए एक्स क्यू माइनस फाइव रेस टू दी पावर कितना फोर इंटू थ्री एक्स स्क्वायर इंटू गाइज अब जरा बोर्ड पे ध्यान देना सुनो ये देखो फाइव एक्स क्यू यहाँ पे फाइव एक्स क्यू माइनस टू एक्स क्यू तो पांच माइनस दो कितना बचेगा तीन तो ये हो जाएगा थ्री एक्स क्यू राइट ना उसके बाद पंद्रह निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव पंद्रह और प्लस दस कितना फिफ्टीन प्लस टेन कितना ट्वेंटी फाइव तो ये हो जाएगा ट्वेंटी फाइव राइट ना डिवाइडेड बाई नीचे में कितना बचेगा बोलो यहाँ पे एक्स क्यू प्लस थ्री रेस टू दी पावर कितना हो जाएगा थ्री तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर तो सिंप्लीफाई भी करते जाएगा आपको अच्छे तरह से आंसर आते जाएगा ठीक है सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है देखिए 5 माइनस टू तीन 15 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 5 टू 10 तो 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा 25 राइट हो गया चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ अच्छी तरह से समझिएगा क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन है इसमें लंबे लंबे हैं इसलिए बढ़िया से नोट करते जाइएगा समझते जाइएगा क्योंकि सिंप्लीफिकेशन करना बहुत जरूरी है देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएट बोथ साइड देखो गाइस यहाँ पे वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स यहाँ बताओ डी अपॉन डी एक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा वन प्लस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू ये बताओ वन प्लस कितना कॉस स्क्वायर एक्स होल पावर कितना हो जाएगा थ्री राइट ना अब यहाँ पे क्या कीजिए यहाँ पे आप मल्टीप्लीकेशन रूल यूज कर सकते हैं एक को मानिए यू दूसरे को मानिए वी तो यहाँ पे देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहले यू को बाहर करेंगे वन प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स को बाहर करेंगे डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स वी का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रेस टू दी पावर थ्री बीच में प्लस उसके बाद वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इसका होल क्यूब इसको बाहर करेंगे डी बाई डी एक्स किसका डेरिवेटिव बताइए ना वन प्लस कितना साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव यू को बाहर किए वी का डेरिवेटिव बीच में प्लस वी को बाहर करेंगे यू का डेरिवेटिव ओके चलो गाइस यहाँ पे देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस बोलो ना साइन स्क्वायर एक्स राइट इसको बाहर रहने दो अब यहाँ पे देखिए एफ एक्स रेस टू दी पावर एन एफ एक्स रेस टू दी पावर एन तो ये हो जाएगा एन एफ एक्स रेस टू दी पावर एन माइनस वन तो वन प्लस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स देखो गाइस कॉस स्क्वायर एक्स
रेस टू दी पावर 3 माइनस 1 2 इनटू क्या हो जाएगा डी बाय डी एक्स एफ एक्स है, यानी 1 प्लस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स है प्लस है, यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कितना कॉस स्क्वायर एक्स है इसका होल क्यू इनटू 1 का डेरिवेटिव 0 साइन स्क्वायर एक्स का, अभी बताए थे पिछले वीडियो लेक्चर में साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है साइन ऑफ 2x राइट ना। चलो गाइस अब यहाँ पे देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कुछ कॉमन नजर आ रहा है, यहाँ पे देखो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है तो 2 पहले कॉमन लेके बाहर निकालो, 1 प्लस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस बोलो ना साइन स्क्वायर एक्स इंटू अब ये देखो ये 3 बचा रहेगा इंटू यहाँ पे क्या बचेगा 3 इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 और कॉस स्क्वायर एक्स का याद करो कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव बताओ ना माइनस साइन ऑफ कितना 2x है उसके बाद प्लस है यहाँ से 2 कॉमन आया तो 1 तो बचा रहेगा 1 प्लस कितना कॉस स्क्वायर एक्स है इंटू बोलो गाइस कितना हो जाएगा साइन ऑफ 2x है। चलो अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो बस हो गया। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कीजिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कितना कॉस स्क्वायर एक्स है ये पूरे का होल स्क्वायर इंटू चलो मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा पहले यहाँ पे माइनस साइन एक्स को 1 से 3 भी तो है तो कितना हो जाएगा माइनस 3 साइन ऑफ कितना 2x है राइट है। नहीं तो एक काम कीजिए सुनिए यहाँ पे साइन 2x है यहाँ पे भी साइन 2x है कॉमन लेके बाहर निकाल लीजिए तो साइन 2x बाहर निकाल दे तो और आसान हो जाएगा साइन ऑफ 2x बाहर निकाल दीजिए आसान हो जाएगा काम तो यहाँ पे माइनस 3 बचेगा तो माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स है उसके बाद प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर क्योंकि साइन 2x साइन 2x दोनों में से कॉमन निकाल लिए माइनस 3 बच गया माइनस 3 यहाँ लिख दिए ये बच गया रहने दिए यहाँ पे ये कॉमन आया तो ये रहेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके नेक्स्ट सवाल चल देखिए यहां पे डिफरेंशिएट बोथ साइड वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स ये देखिए यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स है बोलो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस दोनों को सेपरेट कीजिए डी बाई डी एक्स यहाँ पे देखिएगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ कितना हो जाएगा रूट एक्स राइट ना। यहाँ पे देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बोलो गाय यहाँ पे रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/2 रूट एफ एक्स यानी 2 रूट क्या हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स है इंटू यहाँ पे डी बाई डी एक्स ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बीच में प्लस है। अब देखिए यहाँ पे रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय अंदर वाले को एफ एक्स पकड़िए ना तो 2 रूट एफ एक्स कॉस ऑफ कितना हो जाएगा रूट एक्स इंटू बोलो गाइस डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स सॉरी डी बाय डी एक्स एफ एक्स तो कॉस ऑफ क्या हो जाएगा रूट एक्स है राइट ना। देखिए यहाँ पे हमने क्या फॉर्मूला यूज किया रूट के अंदर वाले को एफ एक्स तो रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स यहाँ पे भी सेम ये अंदर वाले को एफ एक्स पकड़े तो 1/2 रूट एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स है। अब देखो गाइस यहाँ पे अगर बात करेंगे डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन ऑफ एक्स है डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स राइट ना प्लस है यहाँ पे देखिए 1/2 कितना 2 अंडर रूट ऑफ बोलो क्या हो जाएगा बोलो गाइस कॉस ऑफ कितना हो जाएगा रूट एक्स इंटू यहाँ पे कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ कितना रूट एक्स इंटू फिर रूट एक्स का कितना 1/2 रूट एक्स कुछ करिएगा। देखिए कॉमन आप निकाल सकते हैं देखिए निगेटिव निगेटिव 1/2 1/2 तो माइनस 1/2 कॉमन निकाल लीजिए आसानी से निकाल लीजिए तो माइनस 1/2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा साइन एक्स है नीचे बचेगा अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स है प्लस है। अब देखो ऊपर में यहाँ पे क्या बचेगा साइन ऑफ रूट एक्स है
यहाँ पे देखिए ये टू कॉमन आ गया तो अंडर रूट ऑफ बोलिए कॉस ऑफ क्या बचेगा रूट एक्स इंटू यहाँ पे वन बाय टू रूट एक्स तो बचा रहेगा वन बाय टू रूट एक्स बचा रहेगा तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर है सबको कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है अच्छे से। चलिए ये क्वेश्चन नंबर सिक्स हो गया आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंथ पे। डिफरेंशिएट बोथ साइड राइट लॉग ऑफ बोलो सेक थ्री एक्स प्लस बोलो गाइस टैन ऑफ कितना हो जाएगा थ्री एक्स राइट ना। अब देखिए यहाँ पे लॉग सेक थ्री एक्स प्लस टैन ऑफ थ्री एक्स तो देखिए अंदर वाले को आप क्या कंसीडर करिएगा बोलिए अंदर वाले को कंसीडर कीजिए एफ ऑफ एक्स है यहाँ पे देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा वन बाई एफ एक्स वन बाई एफ एक्स तो क्या हो जाएगा सेक थ्री एक्स प्लस कितना हो जाएगा टैन थ्री एक्स ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स यहाँ पे देखिए सेक ऑफ थ्री एक्स प्लस क्या हो जाएगा टैन ऑफ थ्री एक्स राइट ना। तो देखिए यहाँ पे अब हम बात करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बोलो गाइस वन बाई कितना हो जाएगा सेक थ्री एक्स प्लस क्या हो जाएगा टैन ऑफ थ्री एक्स इंटू अब देखो गाइस यहाँ पे सेक का डेरिवेटिव क्या हो जाता है सेक इंटू टैन तो सेक थ्री एक्स इंटू टैन ऑफ थ्री एक्स देखिये ये सेक का डेरिवेटिव हुआ गाइस यहाँ पे सेक